हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है, आज डिस्कस करेंगे हम शेड्यूल 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 6 के बारे में और इनर लाइन परमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो डिस्कशन का इसका कॉन्टेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है उसके काफी सारे पॉलिटिशियन, वहां के बहुत सारे सेक्शन के लोगों का की डिमांड है कि अरुणाचल प्रदेश को शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए, अरुणाचल प्रदेश को अनुसूची 6 में शामिल किया जाए। ये वहां के लोगों की डिमांड है। तो इसको लेकर के पूरा का पूरा हमारा आज डिस्कशन रहेगा कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है क्या और इनर लाइन परमिट क्या है जो अरुणाचल प्रदेश में अभी है, इनर लाइन परमिट, तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या है एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 5 में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र को छोड़कर, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी के जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर बाकी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। तो 10 स्टेट आते हैं जो शेड्यूल 5 में अभी शामिल किए गए। वो 10 स्टेट कुछ इस प्रकार से, एमपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड झारखंड एंड वन मोर इज उड़ीसा एंड एक और है। तो ऐसे करके 10 जो स्टेट है उन्हें शेड्यूल 5 में शामिल किया गया है। एंड देन शेड्यूल 6 क्या है? शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 में कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, कि इन क्षेत्र के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, कि भाई ये जनजाति यानी जो यहाँ पे जो ट्राइब रहती है उस क्षेत्र का किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होना है, उसको शेड्यूल 6 में शामिल किया गया। तो ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, उसे ना तो शेड्यूल 5 में शामिल किया गया और ना ही शेड्यूल 6 में शामिल किया गया। यानी जो अरुणाचल प्रदेश को ना ही शेड्यूल 5 और ना ही शेड्यूल 6 में शामिल किया गया। अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट सिस्टम है, अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट सिस्टम है। अब इनर लाइन परमिट सिस्टम का क्या मतलब होता है? इनर लाइन परमिट सिस्टम का मतलब, इनर लाइन परमिट सिस्टम का मतलब कि अगर आपको उस क्षेत्र पर जाना है जहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल है, अगर आपको उस क्षेत्र पर जाना है तो आपको सबसे पहले परमिट लेना पड़ेगा और बिना परमिट के आप उस क्षेत्र पर नहीं जा सकते। लाइक अगर मुझे अरुणाचल प्रदेश के उस क्षेत्र पर जाना है जहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल है, तो मुझे सबसे पहले जो अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज से क्या लेना पड़ेगा? एक परमिट लेना पड़ेगा और परमिट के बाद ही मुझे वहां पर मैं जा सकता हूँ, मेरी एंट्री हो सकती है। और वो भी मुझे एक टाइम लिमिट तक दिया जाएगा कि भाई इतने टाइम तक आप जा सकते हो, इतने दिनों तक आप रह सकते हो, और इसके अलावा आप रहते हो देन आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप बिना परमिट के रह रहे हो। तो ये हो गया कि भाई इनर लाइन परमिट में अगर जो प्रोटेक्टेड एरिया होती है जहां पर आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, अगर आपको वहां पर जाना है तो आपको परमिट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स होते हैं, जो विदेशी होते हैं, अगर उन्हें
उस क्षेत्र पर जाना है जहां पर इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल होता है, तो उनके लिए तो और ज्यादा स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर फॉरेनर को जाना है तो उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये चीज जो फॉरेनर में ये अप्लाई नहीं होती है, ये नहीं होती है भूटान के नागरिक के ऊपर। जो भूटान के सिटीजन है वो जा सकते हैं, नॉर्मली उन्हें परमिट मिल सकता है जैसे इंडियन सिटीजन को मिलता है। लेकिन भूटान के अलावा अगर किसी दूसरे देश के अगर नागरिक को जाना है, यहां पर फॉरेनर को जाना है, देन उसके लिए आपको परमिट जो लेना पड़ेगा वो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका इनर लाइन परमिट। अब इनर लाइन परमिट को आखिरकार स्टार्ट कब किया गया था? ये इनर लाइन परमिट को स्टार्ट कब किया गया था? तो इनर लाइन परमिट को स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, यानी ब्रिटिशर्स जो थे अंग्रेज थे उन्होंने इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस किया था 1873 में, 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंडर, यानी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के अंडर जो ब्रिटिशर्स ने इनर लाइन परमिट को यानी इंट्रोड्यूस किया था। अब ये इनर लाइन परमिट में क्या होता है और आखिरकार ब्रिटिशर्स ने इनर लाइन परमिट को क्यों आखिरकार इंट्रोड्यूस किया? इसलिए किया ताकि यहां से जो रिसोर्सेस थे, यहां से जो संसाधन थे, स्पेशली जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, उनका शोषण किया जा सके, उन्हें यहां से दोहन करके ब्रिटिश लेकर जाया जा सके, यानी ब्रिटेन लेकर जा सके। तो जो रिसोर्सेस थे या कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस थे उसका एक्सप्लॉइट किया जा सके, इसके लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ी थी ब्रिटिशर्स को। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है, मान लेते हैं असम है। अब यहां पर ब्रिटिशर्स को पता है कि यहां पर अच्छे खासे रिसोर्सेस हैं, यहां पर फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, यहां पर फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, या कि यहां पर मिनरल्स मिले हैं, या कि यहां पर कोल मिला है, तो ये सारे रिसोर्सेस हैं। अब ये रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना है अगर अंग्रेजों को, तो सबसे पहले जरूरी है कि इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करना पड़ेगा, इस एरिया को संरक्षित एरिया घोषित करना पड़ेगा, ताकि कोई दूसरा आदमी या इस एरिया पर ना आ सके। क्योंकि अगर कोई आदमी इस एरिया पर आएगा देन जो अंग्रेज है वो इस एरिया को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। तो यहां पर जो ब्रिटिश इंडिया के नागरिक थे वो इस एरिया पर ना जा सके, इसके लिए इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया और बोला कि अगर ब्रिटिश इंडिया के किसी भी नागरिक को जाना है देन इस एरिया पर जाना है तो उसे परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उसे परमिट लेकर ही वो इस एरिया पर जा सकता है। और परमिट कौन देगा? परमिट देंगी अंग्रेज, यानी परमिट देंगे अंग्रेज। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अंग्रेजों का ये रीजन था ये इनर लाइन परमिट को स्टार्ट करने का। अब जब देश आजाद हो गए तो देश को आजाद होने के बाद ये जो इनर लाइन परमिट इसी तरीके से चलता रहा, बस ये ब्रिटिश इंडिया की जगह इंडियन सिटीजन आ गए, इंडियन सिटीजन हो गए, एंड जो ब्रिटिश इंडिया था ब्रिटिश इंडिया की जगह इंडियन सिटीजन हो गए। अब ये कहा गया कि जो इंडियन सिटीजन को अगर ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर घुसना है देन उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग था, इस बार ऑब्जेक्टिव था चूंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहां पर कुछ ट्राइब्स हैं, चूंकि जंगल में कौन रहते हैं? ट्राइब्स रहते हैं, जनजाति रहती है। तो इस प्रोटेक्टेड एरिया में जो ट्राइब्स हैं उन्हें एक तरीके से बचाया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, क्योंकि एक तरीके से जो इंडियन सिटीजन है
वहां पर जीवन जीने का एक अलग तरीका है। यहाँ की सोसाइटी अलग है, यहाँ की सोसाइटी मॉडर्न हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन आ चुकी है, तो एक तरीके से इनका जीवन जीने का तरीका, इनके खाने का, इनके पीने का, इनके रहने का तरीका अलग है। बट वहीं ट्राइब्स की बात किया जाए तो ट्राइब्स के जीवन जीने का अलग तरीका है, अभी भी वहां पे कबीला पद्धति चलती है। तो एक तरीके से इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके ये जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनसे, ताकि ये ट्राइब्स जो है ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट कोई ना कर सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसे प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया और बोला गया कि भैया अगर आपको इस एरिया पर जाना है, जो इंडियन सिटीजन को अगर इस एरिया पर जाना है, देन आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी परमिट की, और बिना परमिट के आप इस क्षेत्र पर नहीं जा सकते ना? और आप परमिट लोगे, जितने दिन का आप परमिट लोगे उतने दिन तक आप विजिट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आपको वापस आना पड़ेगा, और अगर आप नहीं आते देन आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये पूरा पूरा इनर लाइन परमिट सिस्टम था। तो ये हमने देख लिया। अब इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो डिमांड है वो आखिरकार है क्या, कि शेड्यूल सिक्स में कौन कौन से पावर मिलते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे शेड्यूल सिक्स जो है, शेड्यूल सिक्स में क्या था कि भाई असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र का जो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है वो इसमें शामिल रहेगा। ये शेड्यूल सिक्स को 1949 में, 1949 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो संविधान सभा है उसने निर्माण किया था शेड्यूल सिक्स का। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि इसके अंतर्गत जो ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो रहने वाले ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ट्राइब्स को जो अधिकार मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या कि उन्हें और ज्यादा अधिकार देने के लिए क्या किया जाएगा, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाएगा, ताकि इन ट्राइब्स को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनमी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता मिल सके। इसके लिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाएगा, यानी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाएगा। और यहां पर जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसका गठन कौन करेगा, इसका गठन करेगा गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं। वो कोई भी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं, यानी उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या कि रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या कि उन्हें लगता है कि भाई असम में एक से ज्यादा ट्राइब्स हैं तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग ऑटोनमस रीजन भी डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बनाई लेकिन चूंकि बहुत सारे ट्राइब्स हैं तो उसके लिए अलग अलग रीजन बना दिए, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलग अलग रीजन। तो ये पूरा ये जो ये पावर होती है होती गवर्नर के पास। अब इसके अलावा देखा जाए तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का के मेंबर्स को देख लेते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर होते हैं 30 मेंबर होते हैं, जिनमें जो चार मेंबर होते हैं ये होते हैं गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, चार मेंबर होते हैं गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और जो 26 मेंबर होते हैं, 26 मेंबर होते हैं, 26 मेंबर कौन होते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, यानी वोट देने के आधार पर इन्हें चुना जाता है, 26 मेंबर को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है कि भाई 18 साल से एज के ज्यादा लोग इन्हें वोट देते हैं और उसके आधार पर 26 मेंबर को चुना जाता है, ये एडीसी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। अब ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कुछ पावर भी दी गई है, अब वो पावर देख लेते हैं। ये जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है पावर जो है, जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पावर क्या मिली है इसको, भाई ये लैंड से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है, जो जमीन से रिलेटेड लॉ बना सकता है, इसके अलावा फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई लॉ बना सकता है, या कि मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई लॉ बना सकता है, या कि कैनाल वाटर से रिलेटेड, या कि कल्टीवेशन से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड कोई लॉ बना सकता है।
तो इस प्रकार के वो लॉ बना सकता है। हालांकि ये जो लॉ बनाएगा, ये जो बनाएगी एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जो लॉ बनाएगी वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब गवर्नर की उसमें असेंट हो, यानी गवर्नर जब अपनी सहमति दे देगा तभी ये लॉ बन सकते हैं। यानी कि क्या किया एडीसी ने, अगर लैंड से रिलेटेड कोई कानून बनाया और अगर उसे गवर्नर की असेंट नहीं मिली, अगर गवर्नर की सहमति नहीं मिली, देन वो कानून रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नर की सहमति मिल गई देन वो कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। तो ये कुछ पावर दी गई। इसके अलावा जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये विलेज काउंसिल का भी गठन कर सकता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विलेज काउंसिल का भी गठन कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट फॉर ट्रायल का भी गठन कर सकता है। कोर्ट फॉर ट्रायल क्या होती है कि भाई अगर एक ट्राइब को, अगर कोई एक ट्राइब का किसी दूसरे ट्राइब के साथ कोई डिस्प्यूट है तो उसे रिजोल्व करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए कोर्ट फॉर ट्रायल का गठन किया जा सकता है। तो ये हो गए। इसके अलावा जो एडीसी है इसके और भी काम है, जैसे इसका काम प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का काम देखना, या कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ, या कि फिशरी हो गए, या कि फेरी हो गए, ये सारे काम देखता है कौन, एडीसी। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं, या कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, या कि कोई दूसरा टैक्स इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे काम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के होते हैं। अब इसके अलावा ये हमने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में पूरा पूरा देख लिया कि ये उनके कार्य होते हैं। अब इसके अलावा कौन कौन से इश्यूज होते हैं उसको देख लेते हैं। इश्यूज अगर इश्यूज की बात किया जाए तो सबसे पहले इश्यू होता है रोल ऑफ गवर्नर। इट मीन्स कि अब जैसे एडीसी है यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, अगर उसने कोई कानून बना भी दिया, लाइक लैंड से रिलेटेड उसने कानून बना दिया, जैसे एडीसी ने लैंड से रिलेटेड कोई कानून बना दिया, तो उसके लिए तो असेंट मिलने किसकी जरूरत है, गवर्नर की असेंट मिलना जरूरी है। कि जब तक गवर्नर अपनी सहमति नहीं देता उस कानून को लेकर के, तब तक वो कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो गवर्नर के लिए टाइम फ्रेम का डिसाइड नहीं किया गया कि कितने टाइम लिमिट में गवर्नर अपनी असेंट देगा, कि भैया अगर गवर्नर है एक दिन में भी असेंट दे सकते हैं, अपनी सहमति दे सकते हैं, और बहुत लंबे समय तक भी वो अटका के रख सकते हैं। तो अधिकांशतः देखा गया है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो कोई भी लॉ बनाती है तो बहुत लंबे समय तक वो अटका रहता है। तो इस पर भी देखने की जरूरत है कि भाई एक टाइम लिमिट डिसाइड की जाए कि कितने टाइम लिमिट तक के अंदर कानून को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेकेंड है डिस्क्रिशनरी पावर। जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, जैसे होता है कि गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी इशू को लेकर के, गवर्नर का कहना है कि भैया चूंकि पूरी पावर मेरे पास है, मेरी असेंट ही लेना अनिवार्य है, इट मीन्स कि जो लास्ट सहमति होगी वो मेरी होगी। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहना है कि चूंकि आप किसके बेस पर काम करते हो, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करते हो, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगा वो काम करेगा गवर्नर। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नर के पास तो कोई पावर ही नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहना है। तो एक तरीके से आप देखो तो ये जो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है इसे कोडिफाई नहीं किया गया है कि आखिरकार गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है। तो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसे कोडिफाई करने की जरूरत है। ये हो गया सेकंड। इसके अलावा जो थर्ड है वो ये है कि ट्राइब्स के जो कस्टमरी लॉस होते हैं, जो कस्टमरी लॉ होते हैं, उन्हें भी कोडिफाई करने की जरूरत है। अभी कस्टमरी लॉ क्या होते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीके से यानी बहुत पारंपरिक तरीके से बहुत लंबे सालों से ट्राइब की ये कुछ प्रथाएं चली आती है, कुछ कानून चले आते हैं, उसे आप कस्टमरीज लॉ कहते हैं। तो बहुत सारे कस्टमरीज लॉ जो होते हैं वो कोडिफाई नहीं होते, तो उन्हें भी कोडिफाई करने की जरूरत है। इसके अलावा
स्किल्ड प्रोफेशनल। कई बार देखा गया है जो एडीसी है, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल उसमें रहते, कि वो किसी भी स्किल्ड प्रोफेशनल से वो ओपिनियन नहीं लेती, वो सलाह मशवरा नहीं करती, जिसके कारण क्या होता है रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन हो जाता है, रिसोर्सेज का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यहां पर ये जरूरी है कि स्किल्ड प्रोफेशनल के साथ ओपिनियन ली जाए, ताकि जो फाइनेंस है, जो फंड है, उसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया, उसे फंड को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो करप्शन भी, जो एडीसी में करप्शन भी अच्छा खासा होता है, भ्रष्टाचार के कारण जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, जो भी फंड आता है उसका मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो करप्शन के ऊपर भी कर्व करना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज हैं। अब इसके अलावा वे फॉरवर्ड हम देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में कि कौन कौन सी चीजें की जा सकती है, तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो इलेक्टेड विलेज काउंसिल का गठन करना, इलेक्टेड विलेज काउंसिल का गठन करना, और ये जो इलेक्टेड विलेज काउंसिल है ग्राम सभा के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल हो, यानी ये ग्राम सभा के प्रति अकाउंटेबल हो, ये चीज देखना। इसके अलावा इलेक्शन कराते रहना, भाई इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती, तो उसको वो कराते रहे। इसके अलावा जो वुमेन है, जो महिला है, एंड जो अदर एथनिक ग्रुप है, एंड अदर एथनिक ग्रुप है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना, जो वुमेन है, जो महिलाएं और जो अदर एथनिक ग्रुप है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके एडीसी में, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, इस चीज को भी इंश्योर करना। इसके अलावा जो एडीसी के द्वारा, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, वो प्रोग्राम्स को ये देखना कि भाई उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है, वो प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, उनकी मॉनिटरिंग करना, और ये देखना कि भाई ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, वो जो प्रोग्राम चल रहा है, वो कुछ भी अगर चल रहा है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, पारदर्शिता है कि नहीं है, तो ये सारी चीजों को देखना। तो ये हो गया वे फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हमने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लिया। सो ये वीडियो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।